सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो ये है कि आपको पीसी से लाइव स्ट्रीम करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो गाइस आज मैं आपको 3 से 4 चीजें बताऊंगा जिससे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, और ये चीजें आपको जरूरी चाहिए ही चाहिए लाइव स्ट्रीम करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे आ गया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे को वहाँ पे जाकर मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व भी कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि यार पीसी से स्ट्रीमिंग कैसे करें, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा देखो, जैसे एक प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग होती है, आप लोग देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे कि मैंने जैसे ओवरले लगा रखा है, अपनी वेबकैम लगा रखा है, एंड ये कनेक्ट कैसे हो रही है स्क्रीन पीसी से। तो ये सब चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे होती है, और आप लोगों को ये बोलूंगा प्लीज एंड तक देख लेना इस वीडियो को, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि क्या क्या चीज की आपको जरूरत है। देन इसके बाद बात करते हैं कि यार स्ट्रीमिंग करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। देखो सबसे पहले आपको चाहिए एक वाईफाई कनेक्शन। अब वाईफाई कनेक्शन कौन सा चाहिए? वाईफाई कनेक्शन ये कम से कम 50 Mbps का ले लेना, एक अच्छी क्वालिटी की स्ट्रीम करने के लिए, वरना मिनिमम आप 20 Mbps में कर सकते हैं मोबाइल से। मैं भी 20 Mbps में हमने स्टार्ट किया था, अभी मैं 50 Mbps यूज कर रहा हूँ। आपको मेरी स्ट्रीम क्वालिटी देखनी होगी, आप मेरी स्ट्रीम में आ सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो स्ट्रीम में आके मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, क्योंकि हम रेगुलर स्ट्रीमिंग इस चैनल पे करते हैं। देन सेकंड थिंग बात करते हैं, इसके बाद आपको चाहिए एक मोबाइल। अब मोबाइल कौन सा चाहिए? यार आप लोगों को मैं एक चीज बोलूंगा, यार जब भी मोबाइल लो ना तो एक अच्छा मोबाइल लो यार, गेमिंग के लिए, जब भी स्ट्रीमिंग करने के लिए हो, क्योंकि जब आप स्ट्रीमिंग और गेमिंग एक साथ करते हो ना तो आपको मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है और लैग होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि जब भी मोबाइल लो उस पर पैसा थोड़ा अच्छा इन्वेस्ट करना। और गाइस मैं आप लोगों को ये जो अच्छा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ मोबाइल में, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अब ये पॉइंट आएगा ना, इस पॉइंट में आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए ही चाहिए होगा। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट ये है कि एलगाटो, आप लोगों को एक एलगाटो चाहिए जब भी आप पीसी स्ट्रीम करो। एलगाटो चाहिए या जुगाड़ जो आप यूज करते हो, आप लोगों को पता होगा जो स्ट्रीमिंग करते हैं जुगाड़ के मेथड से, तो इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि एलगाटो एक अच्छी क्वालिटी देता है और बहुत सारी साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाती है उसमें, एंड वॉइस आपको प्रॉपर मिलती है, बट जो जुगाड़ होते हैं उसमें आपको प्रॉपर नहीं मिलता, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हो जो स्ट्रीमिंग करता है जुगाड़ से, उनको पता होगा। बट स्टिल हाँ, जुगाड़ भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्ट्रीमिंग दे देता है, काफ़ी लोग करते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में करी थी 1-2 बार, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं एलगाटो में शिफ्ट हो गया था। अब बात करते हैं कि मोबाइल क्यों लेना है महंगा। देखो जब भी आप मोबाइल लेते हो ना, तो जो एलगाटो होता है ना, हर मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता। जो एलगाटो ये किसी 3 से 4 मोबाइल है जिनमें सपोर्ट करता है, जैसे वन प्लस में करता है। वन प्लस की कौन सी सीरीज? 7 से ऊपर की जितनी सीरीज है उनमें ही एलगाटो सपोर्ट करेगा। सेकंड चीज़ है सैमसंग में, सैमसंग में किस में सपोर्ट करेगा? जो सैमसंग का एस सीरीज है, एस सीरीज में S8, 9, 10 से ऊपर की सीरीज है उनमें सपोर्ट करेगा। आईफोन में भी ये iPhone XR में से ऊपर की सीरीज में सपोर्ट करता है। एंड जो लास्ट है ROG, ये 4 मोबाइल है जिनमें ये सपोर्ट करता है, बाकी इनके अलावा किसी मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता। करता भी होगा पता नहीं, अभी मार्केट में आगे होंगे बहुत सारे मोबाइल आ रखे, बट स्टिल अगर जब भी आप मोबाइल लो उसमें एक चीज देखना, MHL एनेबल हो या HDMI आउटपुट दे वो मोबाइल, ठीक है। क्योंकि गाइस आप लोगों ने क्या करते हो, जब भी आप मोबाइल लेते हो ना, आप लोग एक चीज गलती कर लेते हो, जैसे मैंने ये 22-23 हज़ार का बजट फोन ले लिया था, बट बाद में पता चला मुझे ये वीवो के मोबाइल में एलगाटो सपोर्ट नहीं होता, इसके चक्कर में मैंने 46,000 का वन प्लस का लिया। आप सोचो ना, मैं उस टाइम में 20,000 रुपये और इन्वेस्ट कर लेता तो यार मैं शायद वन प्लस ले लेता और मेरे पैसे बच जाते और मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के पैसे बचें, आप लोग जब मोबाइल लो तो एक बार मोबाइल में इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर लो, ठीक है। तो क्योंकि एलगाटो हर मोबाइल में सपोर्ट नहीं होता, मैंने आप लोगों को बता दिया, और चेक करने का तरीका भी बता दिया कि कैसे चेक करना है कि ये मोबाइल एलगाटो सपोर्ट है नहीं है। आप सीधा सिंपल लिख देना अपने मोबाइल का मॉडल और देख लेना कि HDMI सपोर्ट है या नहीं है इस मोबाइल में, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं कि अब पीसी बहुत मेन है। अब लोग ना लो एंड पीसी सबके पास रहता है, जैसे मैं था, मेरे पास भी एक लो एंड लैपटॉप था एंड मैंने उसमें स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी, बट बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि यार प्रोसेसर उसका बहुत लो था, उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं था। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट का पीसी वो मेरा है, ठीक है। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है कि कैसी स्ट्रीमिंग क्वालिटी होगी, कैसी स्ट्रीमिंग उस पीसी में चलेगी, तो मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ, मैं पिछले 1 साल से अपने स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ पीसी में, तो आप लोग देख लेना वहाँ पे आके कि कैसी क्वालिटी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको चाहिए और आपको पीसी के रिक्वायरमेंट चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरा पीसी का पूरा रिक्वायरमेंट से आप जाके देख लेना मैंने क्या क्या उसमें लगाया है। और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गाइस मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि यार अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पीसी से स्ट्रीमिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अगर आपको एलगाटो से स्ट्रीम कैसे करनी है या जुगाड़ से कैसे स्ट्रीम करनी है उसकी वीडियो भी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना है, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं आपकी पर्सनली प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे, बाय बाय।